हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत। सो गाइस, आज मैं एक नए हमारे भाई साहब हैं जो गाड़ी चलाना चाहते हैं। आज इनका फर्स्ट डे है और इनको मैं शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा कि कौन सा गियर कब चेंज करना चाहिए, कितना क्लच दबाना चाहिए, कितना ब्रेक दबाना चाहिए और हमें फर्स्ट डे जो गियर है फर्स्ट वो कैसे डालना चाहिए, सेकेंड गियर कैसे डालना चाहिए। आज इनका पहला दिन है गाड़ी चलाने के पर्पज़ से, तो गाइस मैं आज इनको पहले दिन से ही शुरुआत करूंगा। और गाड़ी ये हमारी जो मारुति इको है ओमनी, और गाइस इनका फर्स्ट डे है और ये कैसे गाड़ी चलाएं इनको मैं बताऊंगा कि कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है और कौन सा एक्सीलेटर है और कौन से गियर में गाड़ी चलाएं और इनको कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या अहम चीज़ें हैं वो भी मैं इस वीडियो के मध्य से बताने वाला हूँ। गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उमदा वीडियो है, तो गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो गाइस आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना और गाइस आप लोग ये वीडियो जो देख लिए तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी गाड़ी अपने आप खुद चला सकते हैं। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहें। तो ये हमारे भाई साहब हैं जो ये गाड़ी चलाना चाहते हैं और मैं इनका आपसे इंस्ट्रूट करवा रहा हूँ। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? सुजीत यादव। अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट डे है जी और आप गाड़ी चलाना चाहते हैं? जी। तो गाड़ी चलाने के पर्पज से मैं आपको गियर कौन सा है, क्लच कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा और आपको थोड़ी सी जानकारी अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि वो जरूर 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 आप गाड़ी बैठेंगे जब भी तो आपको वो अपने दिमाग में वो चीज़ें जरूर रखनी है, तो वो आप रूल फॉलो करेंगे। तो पहला काम ये है कि आप पहले अपनी सीट बेल्ट लगाइए, वहाँ से एक लॉक होगा और इसमें फंसा दीजिए, ये आपकी सीट बेल्ट हो गई। आप जब भी गाड़ी बैठेंगे चलाने के पर्पज़ से या आगे बैठ रहे हैं या कहीं गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आपको फर्स्ट डे यही करना है पहला काम कि आप सीट बेल्ट लगाएंगे। और दूसरा काम है, आप अपना देख सकते हो, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए गियर के नंबर लिखे हैं, ये फर्स्ट है ऐसे लगेगा, सेकेंड नीचे लगेगा, थर्ड ऐसे सामने, फोर और ऐसे फाइव, वो मैं सब चीज़ें आपको बता दूंगा। अभी तो आपको फर्स्ट सेकंड में चलाना है तो आप ऐसे करके लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लगेगा और ऐसे सेकंड लगेगा, ठीक है जी। ये तो आपको मैं बता दूंगा और यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा, आपको तीन पैडल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो राइट वाला जो एक्सीलेटर है और ये बीच वाला ब्रेक है जी, ये तीसरा नंबर का क्लच है जी, इनका नाम है, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है, ये ए बी सी। तो ए और बी एक्सीलेटर और ब्रेक आपके राइट वाले पैर से चलेंगे और ये लेफ्ट वाला जो तीसरे नंबर का है सी क्लच, ये आपका लेफ्ट वाले पैर का चलेगा, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ चुके हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनको कैसे यूज करोगे, आप जब यूज करने के समय क्या होगा आप गाड़ी। तो सुजीत जी, आप पहले गाड़ी को स्टार्ट करिए, आपके उधर चाबी लगी होगी जी। हाँ, तो आप पहला काम है आप क्लच दबाएंगे, क्लच पूरा दबाएंगे, हाँ, और आपको पूरा क्लच दबाना है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। अब आप गाड़ी गियर में हो या ना हो आपको क्लच पूरा दबाना ही है, फिर आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करिए, ऐसे करके गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई है और अब आप पूरा क्लच दबाएंगे और दबाने के बाद आप फर्स्ट गियर में डालेंगे, हाँ इधर करिए, और आप ए एक्सीलेटर वो जो है आपका आप थोड़ा सा दबाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको क्लच को छोड़ेंगे, समझ रहे हैं आप, एक्सीलेटर थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे और इस क्लच को एक्सीलेटर दबाएंगे, क्लच को छोड़ेंगे आराम से, आराम से एक्सीलेटर पर से पैर हटाइए, आराम से दबा के रखिए और धीरे धीरे चलाइए क्लच, आराम से, आराम से सीधे रखिए, आपको टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, आप सीधे चलाइए, आपको फर्स्ट डे है तो आप सीधे पहले चलाएंगे, उसके बाद आप आराम से चला सकते हैं।
सीधी करिए, आप गाड़ी पहले सीधी करिए, आपको भगाना नहीं है, आप सीधी करिए और सीधे करके चलाइए आप, और सीधी करिए बस, आपको इतना रखना है यहाँ पे सेपरेट, ये पूरा सीधा होना चाहिए तो आपकी गाड़ी सीधे जाएगी, आप समझिए ठीक है। और इसकी लीटर को हल्का दबा के रखेंगे, ब्रेक को छोड़ रखेंगे, क्लेच पे पैर मत रखिए, इससे आपको क्या नुकसान क्या फायदे होते हैं, क्लेच पे आप पैर रखेंगे तो आपकी क्लेच प्लेटें खराब हो जाएंगी, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत भी होगी, इस तरीके से आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। ब्रेक मारिएगा नहीं, आप चलते रहिए आराम से, आराम से क्लेच मत दबाइए ना, इसकी लीटर दबाना है आपको, आराम से केवल चलाना है आपको सीधी करके गाड़ी। आपको मैं इस टूटी फूटी रोड पर क्यों गाड़ी चलवा रहा हूँ कि इससे आपके हाथ सेट हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप आराम से जब चलाएंगे तो आपके हाथ इधर उधर स्टीयरिंग भागेगी, बट आपको संभालना गाड़ी बहुत ही आराम से आ जाएगा। और आज आपका फर्स्ट डे है तो इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट और डर बना हुआ होगा आपके अंदर, बट आप आराम से चलाएंगे तो आराम से गाड़ी चला सकते हो। और आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो गाड़ी पे, या फर्स्ट गियर पड़ा हुआ है और आपका इसकी लीटर हल्का दबा के रखे हैं, आप क्लच ब्रेक छोड़ के रखे हैं और आपकी गाड़ी आराम से यहाँ पे 10 या 12 की स्पीड में चल रही है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे जो आपका है उस पे आप फर्स्ट गियर ही में गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि आप अभी उतना नहीं चला पाएंगे तेज, और अभी आप धीरे धीरे ऐसे करके गाड़ी चलाएंगे, तो आप आराम से चलाइए इसी तरीके से। और टूटी फूटी रोड, इस रोड पे मैं क्यों लाया हुआ हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा हाथ आपका जो है सही तरीके से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि दाहिने पाए गाड़ी भागेगी आपकी तो रोकने की कोशिश आप करोगे, आपको चलाने में थोड़े से हिचकिचाहट बट हो रही होगी, मगर कोई बात नहीं, आप आराम से लाइए और पीछे वाले भाई साहब को जाने दीजिए, अपने साइड आप रखिए, और आपको बहुत ही आराम से चलानी है और गड्ढे वगैरह बचा के जहाँ तक हो सके आप गड्ढों को बचाएं, क्योंकि जितना आप गड्ढों को बचाओगे उतने आपके हाथ सेट होंगे। इस तरीके से आराम से आप गाड़ी चलाइए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सुजीत जी हैं, जो कि आज इनका फर्स्ट डे है और फर्स्ट गियर में गाड़ी ये चला रहे हैं, इनका इसके मीटर पे हल्का पैर रखे हुए हैं, ब्रेक और क्लेच दोनों छोड़ दिए हैं और आराम से ये इस ख़राब रास्ते पे, मैं इनको गाड़ी सिखा रहा हूँ कि इस रास्ते पे चलाने का मकसद ये है कि इनके मन से डर थोड़ा सा अभी निकले, क्योंकि इनको अभी डर लग रहा होगा कि हम कैसे गाड़ी चलाएं, और क्यों भाई डर तो लगेगा ही, और इनके कारण ये है इस रोड पे चलाने का कि जो भी नए बंदे होते हैं जो मैं सही रोड पे ले जाऊंगा तो उनको हाथ इधर उधर स्टीयरिंग नहीं भागेगी, जब मैं इनको इस रास्ते पे लेके आया हूँ तो ये खुद सोचेंगे कि हमारे इधर उधर हाथ भाग रहे हैं, तो इनको अपनी गाड़ी संभालना है, तो इस तरीके से ये गाड़ी चला सकते हैं। और सुजीत जी आपको अभी फर्स्ट गियर में मैंने इसलिए गाड़ी चलाना सिखाया है कि आपकी जो धीरे धीरे चलाने की हैबिट है वो आप ऐसे चला सकते हो, और आपको कभी जब मोड़ना होगा तो आप बहुत स्टीयरिंग काट रहे हो, आप आराम से आपको फ्लैश में रखना है, ये जो फ्लैश होता है ये वाला पूरा सीधा रखना है, इस तरीके से आप गाड़ी चला सकते हो। इस तरीके से आप फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाएंगे और आराम से चलाते रहेंगे। तो सुजीत जी आपका पहला दिन था तो आपने गाड़ी चलाई और आपकी समझ में क्या आया, आप कैसे गाड़ी चलाएं और गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं, आपको कुछ डर लगा या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुई? जी हल्का हल्का डर लग रहा था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं गाड़ी चला लूंगा। नहीं आप चला लेंगे बेफिक्र, फर्स्ट डे है, किसी काम में आप कोई भी काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट लगेगी, बट आप गाड़ी चला लेंगे और आपका बहुत ही चलाने का तरीका जो है आपका बहुत ही सही है, आपने एक बार भी गाड़ी मिस नहीं की और ना तो आपसे गाड़ी बंद हुई है, और आपका चलाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि आप
क्लच ब्रेक स्केटर कैसे मोमेंट करते हो वो मैंने एक बार आपको बताया और आपने उसी हिसाब से अपना काम किया, तो जी, आप जी। इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से गाड़ी चलाए हैं। तो गाइस मैंने इनको आज फर्स्ट डे था इनका जो कि गाड़ी चलाने का, मैंने इनको गाड़ी फर्स्ट गियर में चलाने के लिए बोला था और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाई है। तो गाइस आप लोग भी इस तरीके से गाड़ी सीख सकते हो। तो गाइस अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे गाइस आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। और गाइस आप लोगों को कोई मुझसे शिकायत या आपको कोई मुझसे चीज पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब मुझे आप इजाजत दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, ओके।